पीछे तक आवाज आ रही है माता हरे कृष्णा। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सौनकादि ऋषि जी सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न के। हम लोग बता पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिले? और दूसरी प्रश्न भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है? तीसरा प्रश्न इसलिए तीसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण की हमें कथा सुना। और चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं उनकी अलग अलग क्या क्या है। पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को पहचानूं उसको बाद में फिर आप भगवान को पहचानोगे। जैसे किसी अभी समझ जाओ काम करने के लिए नौकरी करने के लिए सबसे पहले आपको पूछा जाएगा आपका क्या क्वालिफिकेशन है। आपने सीए कर रखा ना इंजीनियर कर रहे ना डॉक्टर भी कर रहे हो, आपका जैसे क्वालिफिकेशन होगा आपको नौकरी वैसे मिलेगी। अगर आपने सीए किया आपको डॉक्टर का काम दे दे उधर पाओगे बोलो नहीं। आप जिस विषय पर आपने लिखाई पढ़ाई किया है वैसे अगर आपकी नौकरी दी जाए ना फिर तो आप नौकरी कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले हमें ये पहचाननी होनी चाहिए मैं कौन हूँ, उसको बाद में करके धर्म निर्गुण करो। उसको पहले करोगे तो नहीं तो सब गलती गलती सारी गलती होगी। इसलिए मैं कौन हूँ तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेरे स्वरूप हम सबके सब भगवान की औलाद है ठाकुर जी की बच्चे हैं। बोले भैया फिर धूप क्यों आए? बोले कारण है भगवान को हमने भूल गया, ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके हमारे मन में माया की सेवा करने की माया को भोग करने की इच्छा हुई। ठाकुर जी बोले देख ले संसार में जाकर फिर देख ले अच्छे तरीके से संसार। इसलिए हम कौन है? हम अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान की संतान ठाकुर जी की औलाद, हम साधारण घर के बच्चे नहीं। एक सुंदर की स्टोरी सुना, मैं जितने कथा सुनाता ना सब याद कर लूंगा फिर आप दूसरों को भी सुना सकते हो। हैं सारी कथा को याद कर लो फिर दूसरों को भी इस कथा को सुना सकते हो ठीक है। ये कथा को सुन लो बच्चा। एक समय कोई एक राजा था जिस राजा के घर में कोई औलाद नहीं, बेचारा बड़ा दुखी है भविष्य में राजगति को कौन संभालेगा। लेकिन ठाकुर की कृपा से एक औलाद की प्राप्ति हुई। लेकिन जो छोटा बच्चा था ना वो किडनैप हो गया। अभी राजा को तो दुख का कोई सीमा नहीं। एक समय एक बहुत पहुंचा हुआ कोई संत आए, बोले महाराज सब कुशल मंगल है ना? बोले क्या कुशल मंगल है? घर में संतान थी नहीं, ठाकुर को इच्छा से एक संतान भाई को भी नहीं किडनैप हो गया, तो दुख का कोई सीमा नहीं। लेकिन वो बड़े पहुंचा हुआ संत था, उसे ध्यान लगाया, ध्यान लगा कर उन्हें सब कुछ देख लिया। बोले राजा अभी तेरा बेटा है? बोले जिंदा भी है? बोले हाँ और ठीक ठाक भी है। बोले बताओ वो बच्चा कहाँ है? बोले देखो बीच में एक गड़बड़ी भी होगी। बोले क्या गड़बड़ी? बोले जो गुंडे बदमाशी ने इसको किडनैप करके लिया वो बचपन में, अभी हो गया बड़ा। वो कह रहे हैं हम ही तेरे पिता माता छोटी सी जो झोपड़ी में रहते हैं कहते तेरे ही घर है, इसलिए असलियत में वो है कौन ना वो सबको भूल बैठा है। बोले फिर क्या करना? बोले अगर आप बोलोगे पहले मैं जाकर उसको समझाता सचमुच से उसको पिता माता कौन है कहाँ के रहने वाले, अगर ये चीज को समझ जाएगा ना फिर बच्चों को ले आओ। बोले बाबा आप बड़ी कृपा हुई, हम तो बड़ी दुखी है। वो संत गए उसको अकेले देख कर के बोले बेटा इधर आ। बोले तेरे घर कहाँ है? बोले छोटी सी झोपड़ी थी ना बोलिए मेरे घर है। बोले तेरे पिता माता कौन है जो गुंडे बदमाश थे? बोले ये मेरे पिता माता है। बोले देख तेरे को एक रहस्य बात बताता हूँ, ये तेरे घर भी नहीं और ये तेरे कोई पिता माता भी नहीं। बोले क्या बोल रहे हो? मैं बचपन से यही देख रहा हूँ, बोले इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। देख बेटा कि जो देश का जो राजा रानी है ना ये तेरे पिता माता है,
एक दिन तू ये देश का राजा बनने वाला तू तेरे जो घर है ना राज महल तेरे घर है और रोज छापन भोग 36 व्यंजन को खाने वाले हो लेकिन तेरे नसीब में अभी सूखे रोटी भी नहीं जुट रहा है। देख बेटा पिता माता के चेहरा में बच्चे का चेहरा मिलता मिलता कि नहीं हम कहते ना देखो माँ की चेहरा इसमें आए नहीं देखा देखो पिताजी का चेहरा आया कभी देखना बच्चे में पिता माता की दोनों चेहरा आता है आता कि नहीं आता कि नहीं आता है ना इसलिए बोले देख तेरे चेहरा को साथ में ये जो गुंडे बदमाश जिनको कह रहे हो मेरे पिता माता चेहरे को मिला कर दे मिलता है ना राजा रानी को साथ में तो अरे चेहरा मिलता है। अभी तक तो इसी विषय पर कभी वो सोचा ही जब उन्होंने ये बात को बताया ना अभी उसने बड़ा गहरा रूप में सोचा भाई भैया बात सही है कि तो इनको साथ में मेरे चेहरा कोई मिल नहीं रहा है वे तो बड़े लंबे चौड़े गोरे हैं बड़ा सुंदर हूँ लेकिन ये लोग तो भैया इसका आवाज ज्यादा बाहर जा रही है अंदर में तो इसका आवाज अंदर में जाता है अभी इनको साथ में मेरे चेहरा तो कोई मिल नहीं रहा है चेहरा मेरा राजा रानी से मिल रही है। बोले आप तो सही बता रहे हो बोले घर में जाओ जाओ बोले आपकी बड़ी कृपा होगी बोले ठीक है अभी जाकर के मैं राजा को समझाता हूँ। राजा को बोले तुम्हारी बच्चों को हमने समझा दिया अभी वो बच्चा समझ गया जाओ अमुक स्थान पर गुंडे को बीच में वो घिरा हुआ है अपना सैन्य सामंत लेकर घिराव करो करना पड़ेगा कि नहीं कि रह सकते हो रह ही नहीं सकते हो यहाँ पर इसलिए हम लोग कोई भी माता जी अपना आगे आ गए आगे आ गए इसलिए हम यहाँ के कोई रहने वाले नहीं है हम तो रहने वाले ठाकुर जी के चरण में पर हम लोग को कौन है इसलिए वेद कहता है अमृत पुत्रा हम सब के सब भगवान की अमृत के पुत्र हैं लेकिन हम सबके सब किडनैप हो गए लेकिन ये बात हमें कौन समझाता है साधु आकर के समझाते हैं भैया ये तेरे घर भी नहीं तेरे दुकान पकान नहीं ये भी तुम्हारा कुछ नहीं इसलिए तुम्हारे पिता भगवान है तुम भगवान की ही संतान हो इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते हैं सबई पुंसान परो धर्म हर जीव मात्र का जो श्रेष्ठ धर्म किया है भगवान को प्रेम करना भगवान को भक्ति करना इसलिए जब तक ये जीव ठाकुर जी की शरण में नहीं जाता है ना ये दुनिया में तुम जो कुछ कर लो तुमको कभी शांति मिलने वाले नहीं इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने 7 उदाहरण दिया है कितना उदाहरण दिया आज मैं बताऊंगा कल आपसे सुनना देखो उन्होंने 7 उदाहरण दिया देते हैं वो कहते हैं अगर कोई रेती को पीस पीस करके सोचे तेल निकाल दूंगा बताओ रेती को पीसने से तेल निकलेगी नहीं निकलेगी कहते ये भी मैं मान सकता हूँ। दूसरा उदाहरण देते हैं अगर कोई बोले पानी को मंथन करते करते घी निकाल लूंगा निकलता है नहीं कहते ये भी मैं कभी मान सकता हूँ कहते अगर कोई बोले आकाश में फूल खिल रहा है आकाश में कोई फूल खिलता है ये असंभव है बल्कि इसको भी मैं कभी मान सकता हूँ। कछुए को पीठ के ऊपर कोई बाल उगता है नहीं कहते ये भी मैं मान सकता हूँ। बांझ का कभी बेटा होता है इसलिए तो बांझ उसकी संतान नहीं है अगर कोई बोले बांझ का बेटा हो गया कहते ये भी मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले बर्फ के ऊपर में आग जलती है ये भी असंभव है अगर कोई बोले खरगोश का सींग उग गया उनने 7 उदाहरण दिया बोले जो असंभव है ये कभी संभव हो सकती है माता जी बात मत करो इसलिए अगर कोई बोले भैया हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ कर नहीं रहे हम तो बड़ा मस्ती में है हम तो बड़ा आनंद में है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते बड़े आनंद में गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा हरि से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को इतने ऐश्वर्य इतने सुंदर स्त्री इतने बाल बच्चे पा करके भी उसको शांति मिलेगी हम कितने पैसा कमा लेंगे कितने अच्छे छोरी से शादी कर लेंगे कितने बाल बच्चे जन्म लेंगे इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते हैं भैया तब भी आत्मा को शांति मिलेगी ज
जब ये जीवात्मा परमात्मा की शरण में जाएगा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपतुतु कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते, जब केवल जीव मेरे शरण में आएगा उसको ही पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको ही जीवन में परम शांति और परम धाम मेरे गोलोक वृंदावन की प्राप्त होता है। इसलिए शांति मिलेगी कैसे आत्मा को, जब ये आत्मा श्री परमात्मा श्री कृष्ण का शरण में जाएगा तब उसको शांति मिलेगी। और जो दूसरी प्रश्न है, कलयुग में करिए भगवत प्राप्ति के सरल उपाय क्या है। पहला प्रश्न, भगवत प्राप्ति से ही शांति मिलेगी। दूसरी प्रश्न है, भगवान हमें मिलेंगे कैसे, तब उसको उत्तर देते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकोत भयम् योगिनाम् निर्भनिर्नित हरि नामानुकीर्तनम्। बोले भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा। ठाकुर जी को पता है कलयुग का जीव ज्यादा परिश्रम कर ही नहीं सकते हैं, उनको ऐसे सरल उपाय रखो जो बिना पैसा बिना कष्ट से कर सकते हैं। वो क्या है, ठाकुर जी का नाम। एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे जो कोई बोल नहीं रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले भैया ये हरि नाम को कौन कौन करता है, कौन कौन कर सकते हैं। बोले एतत् निर्विद्यमानानाम्। अगर कोई बोले नहीं हम संसार की जीव है ना, संसार में दुख कष्ट पा रहे हैं इसलिए हम भगवान के नाम करते हैं, बोले नहीं, रूप गोस्वामी कहते हैं आईर मुक्त कुलै रूपास्यमानम्। ये हरि नाम को जो मुक्त महापुरुष भी हरि नाम का नाम करते हैं। नारद ऋषि क्या करते हैं, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम। इसलिए से नारद भी बिना में क्या करते हैं, राधा रमन का नाम पर बिना में ठाकुर का नाम जप करते हैं, कहते हैं ना श्रीमन नारायण 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 जब नारद जी वैकुंठ की परिकर होते हैं तब श्री लक्ष्मी नारायण का नाम लेते हैं, लेकिन वही जब ये वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं उसी समय श्री राधिका रमण नामे। कहते ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी चतुर्मुख में ब्रह्मा जी भी ठाकुर के नाम जप करते। देखना ब्रह्मा का चार ही हाथ देखोगे, एक हाथ में माला देखोगे। कहते श्री भोले बाबा क्या करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जयी जप समयसा और काशी मुकुति हेतु उपदेशा पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरा। शंकर भी पंचमुख में ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। बोले माँ देवी किसका नाम जप करती है, देखना आठ हाथों है एक हाथ में माला है। इसलिए एक समय पार्वती शंकर जी से प्रश्न की, बोले प्रभु किसकी नाम जप करनी चाहिए। देखो शंकर जी स्वयं कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्रा नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम वरानी। हे सुंदरी पार्वती 1000 विष्णु नाम करने से जो फल मिलता है एक बार राम नाम से वही फल मिलता है, तभी से माता पार्वती प्रभु राम का नाम जप करती है।
हनुमान जी क्या जब कहते हैं, रघुपति राव राजा राम पति पावन सीता, इसलिए कहते नाम को कौन कौन जप करते हैं, बोले जो मुक्त पुरुष वो भी ठाकुर के नाम जप करते हैं। बोले दूसरे व्यक्ति इच्छताम अपूत भय, बोले संसार में जो अभय पाना चाहते हैं, बोले संसार में जो शांति सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको क्या करनी चाहिए, उनको भी ठाकुर के ही नाम जप करनी चाहिए। और जोगी नाम निर्भर निर्मित, बोले जितने जोगी ऋषि मुनि ये सबके सब शास्त्र को मंथन की, तो अगर सारे ग्रंथों को मंथन करो, जैसे दही को मंथन करने से क्या निकलता है, मक्खन, सारे शास्त्र को मंथन करोगे ना, अगर उसमें घी निकलेगा तो घी क्या है, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी के नाम। इसका मतलब है जो व्यक्ति समझो ठाकुर का नाम जप कर लिया ना, समझो उसने सारे वेद पुराण उपनिषद उसने सब कुछ पढ़ लिया। अगर तुमने सारे ग्रंथ को तुमने पढ़ दिया लेकिन तेरे प्रभु का नाम नहीं, तेरी रुचि नहीं, बोले जीरो है, लास्ट में जीरो है। देखना हमारी भारत में भले ही तो जिंदगी भर जिसकी पूजा कर जिसकी सेवा कर जो कुछ करो, लेकिन जब शरीर छूटता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते है ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं सब कोई बात झूठा। बोले बेटा जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया ना, तेरे साथ में वही जा रहे हैं, और जीवन में तुमने जो कुछ तुमने किए सब झूठे में बिताए, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहे हैं। इसलिए कल मैंने बताया था जो हरि नाम करते हैं ना उनको तीन चीज प्राप्ति होती है, क्या क्या इसके याद पर बोलेगा, जो हरि नाम करते हैं उनको तीन काम अपने आप हो जाता है, निकल बताया था, हाँ बोलो, और दूसरा श्री जी को प्रसन्न होते हैं, हाँ और तीसरा बताया, हाँ इसलिए देखो और एक बार कल सुनो, ब्रह्मा जी जो है वो आपकी आंखें, देखो माता जी ध्यान से सुनते, आप लोग कितने सुनते नहीं ध्यान से, आज बोलता हूँ कल फिर पूछूंगा। रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम जप करता है उसको तीन काम अपने आप हो जाता है। बोले तीन काम क्या है, बोले एक तो नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बोलते हैं, बोले कापी लेकर के आओ, बोले क्यों, बोले इसका नाम को यहाँ से काट दो, बोले किस लिए, बोले ये ठाकुर का नाम जप कर रहा है ना अभी ये नरक नहीं आएगा, ये अभी नरक नहीं आएगा। दूसरा काम गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है, बोले रजिस्टर लाओ उसके नाम को लिख दो, बोले किस लिए, बोले अभी सीधा गोलोक वृंदावन में आएगा। बोले तीसरा काम किया तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती का थाला सजाना शुरू करते हैं, बोले क्यों, बोले जब ये भूर भूर्व मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए जाएगा उस समय ब्रह्मलोक में उस समय आरती कर, समझो ठाकुर जी के जो नाम जब करते हैं उसकी कितने महिमा। लेकिन ये ठाकुर का नाम सहज में मुंह में नहीं निकलता है, आप बैठ जाओ एक साथ में बहु बेटियों की बात करना शुरू कर दो, देखना घंटे घंटे बीत जाएगी, लेकिन उसको बोलो भैया एक माला हरि नाम कर, बोले मेरे पति होता है। देखो आप सही घटना सुना था, एक समय एक माता जी हॉस्पिटल में खड़ी हुई थी, तैयारी मैयारी कर रही थी, बच्चों को देख लेना उसी घर में, बेटी को हर साल में ये दे देना बच्चों को ये, लेकिन उसका बच्चे बोल रहे थे माता जी तेरी अंतिम समय है, एक बार तू राधे राधे राम राम तो बोल दे। वो कहती है मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ, कितना सही बात बोल दिया, मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ इतना बात, लेकिन मुंह से दो अक्षर राधे राधे और राम राम नहीं किया। लेकिन उसका नाती पोती बड़े चतुर थे, वो सोच रहे थे दादी के मुंह से किसी तरह से एक बार प्रभु का नाम तो निकाले, बोले दादी तू क्या नहीं बोल सकती हो, वो तो सोच रहे थे बोलेगी तो राम राम राधे राधे, बोले तू जो बुलवाना चाहते ना मैं यही नहीं बोल सकती। मतलब है भगवान की जो नाम है ना सहज में मुंह से नहीं निकलती, इसलिए जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य पूंजी भी तो हो उसकी जीवा से ठाकुर जी की नाम उच्चारण होता है। सबके समय तो हाथ उठा कर बोलो
बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान ने कलयुग में ये सबसे सरल उपाय दिया है ठाकुर जी की नाम को जप कर इसी से ही तुम्हारी कल्याण होने वाले हैं। तब से सुत गोस्वामी एक अच्छी चीज को हम समझाते हैं कदे बदति तत्त्व विदस्तत्वम जज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मति परमात्मति भगवान इति शब्दति। यहाँ पर कभी कभी हमारे विशेष कर जो हिंदू लोग है ना कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि कोई कोई कहते भगवान तो निराकार है। अगर कोई बोलने लगे जाए ना बोले हाँ बात तो सही बता रहे वो निराकार से साकार आ गया है। लेकिन कोई कोई कहते हैं नहीं वो तो परमात्मा है अंगुष्ट परिमाण बोले हाँ सही है जोगी जिसको ध्यान करते हैं। और ब्रह्म को कौन ध्यान करते हैं ब्रह्म को ज्ञानी। कोई कहते नहीं ठाकुर तो राधा कृष्ण है सीताराम राधा कृष्ण है हाँ सब चीज में हम मुंडी हिला लेते हैं। लेकिन सचमुच से भगवान कौन है क्या है ये श्लोक में बहुत अच्छी चीज को समझाया अच्छे तरह से ये चीज को समझ लो बढ़िया चीज से नहीं तो तुम्हारे दिमाग भटकते रहेगा। कोई निराकार बोलेगा तो उधर भाग जाएंगे कोई बोलेगा साकार तो उधर भाग जाएंगे फिर तो हमें से भगड़े जैसे भटकते रहेंगे। हमारी फिर किसी चीज में हमारी सही सही हमारी निष्ठा नहीं होगी। इसलिए श्री सुत गोस्वामी ये चीज को क्लियर करते हैं तो एक ही भगवान थे एक ही भगवान कितने हैं कितने एक भगवान कितना भगवान एक है। लेकिन वो जो एक ही भगवान है उनको तीन तरह के भक्त है हाँ तीन तरह के बोले कौन कौन है बोले एक ज्ञानी है जो भगवान को ब्रह्म स्वरूप में ध्यान करते हैं एक योगी है जो एक अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा के हृदय में ध्यान करते हैं और एक भक्त है जैसे अंदर में गौर राधा कृष्ण है इसी रूप में उपासना करते हैं। अभी प्रश्न यह आता है ये क्या सबके सब बराबर ना अलग है ये चीज को समझो। एक उदाहरण देकर समझाए जैसे आम का सीजन मार्केट में बड़े सुंदर दशहरी और चौसा आम आया एक मालिक ने एक सेवक को बोला हमने सुना बड़े सुंदर आम मार्केट में आया देख कर जाओ तो वो गया देख कर बोले महाराज मैंने देखा दुकान में पीले पीले रंग के बड़े सुंदर आम बिक रहा है। उसने और एक सेवक को भेजा बोले भैया तू देख रहेगा इसने देखा वो तो बोले देख रहेगा आ गया था इसने देखा उसको स्पर्श किया बोले नरम है सूंघा बड़ा सुंदर खुशबू वापस आया बोले आप देखे हो बोले महाराज बड़े सुंदर आम हमने सूंघ कर स्पर्श करके आया पका हुआ। राजा ने और एक सेवक को भेजा भैया तू देख रहेगा उसने देखा स्पर्श किया सूंघा बोले 5 किलो आम दो। आम को ला करके अच्छे तरह से ठंडे पानी में भिगवाया और उसको अमनिया करके ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाया। जो उसने आम खाया ना बड़ा मीठा आम है। राजा ने पूछा भैया आम कैसे है बोले महाराज बड़े मीठा आम है बड़ा सुंदर आम है। ये चीज को समझो ये तीनों को आम मिला कि नहीं बोलो मिला है लेकिन क्या बराबर मिला है हाँ यही चीज को समझो। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को निराकार कहते हैं वो केवल एक ज्योति स्वरूप है वो कौन है बोले ज्ञानी जो केवल दूर से ही के प्रकाश दिखता है। कहते भैया वो प्रकाश है क्या चीज बोले कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण इनकी जो आभा है इनकी जो प्रकाश हुई वो दर्शन करके कहते हैं अरे भगवान का निराकार है बस यही तक आगे और बढ़ नहीं पाते। दूसरे व्यक्ति जो पास में गया स्पर्श भी किया सूंघा वापस आ गया बोले वो कौन है बोले योगी। बोले ये लोग क्या करते हैं बोले अपना हृदय में एक चतुर्भुज जो खिरदो कसाई विष्णु इनको चतुर्भुज रूप में केवल हृदय में केवल ध्यान करते आत्मानंद में डूबे रहते इतना तक है कहते ये ज्ञानी से भी
ये श्रेष्ठ है जो चतुर्भुजधारी जो खिरदसाई ऋषि को हृदय में परमात्मा रूप में जो ध्यान करते हैं उनसे भी ये श्रेष्ठ योगी है। लेकिन जो लास्ट में गया आम को देखा सूंघा और लेकर आया और ठाकुर जी को भोग लगा कर खाया ये कौन है बोलो ये कौन है भक्त है जो कि संपूर्ण रूप में ठाकुर को दर्शन करते हैं ठाकुर का श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ठाकुर जी की सेवा करते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी को हैं कहते जो पूर्ण रूप में कौन भगवान को प्राप्त करता है केवल एक भक्त है। इसलिए आप लोगों ने कहीं नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान कोई कहता है कोई नहीं कहता है योगी का भगवान कोई नहीं कहता है कर्मी का भगवान भगवान किसके हैं जोर से बोलो हाँ इसलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए पूर्ण रूप में एक भक्त ही उनको प्राप्त करता है। इसलिए श्री सूरदास जी इसलिए बड़ा सुंदर एक पद लिखते हैं बोले सबसे ऊंचे सबसे ऊंचे प्रेम सगाए सबसे ऊंचे प्रेम सगाए सबसे ऊंचे प्रेम सगाए सबसे ऊंचे Oh,
विश्व ब्रह्मांड जिनके आदेश को पालन करते ही अर्जुन कहते प्रभु मेरे रथ को बीच में ले चलो, खड़े करके मैं देखना चाहता हूँ किस किस को साथ मेरे को युद्ध करना पड़ेगा। जब घोड़ा थक जाए ना, कृष्ण घोड़ा को मालिश करते हैं। जब भूख लग जाए, ठाकुर जी घोड़ा को दाना खिलाते हैं। कहाँ ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन प्रेम का वशीभूत होकर के ठाकुर जी क्या किया, झूठे बेर खाए। ठाकुर जी सबर की झूठे बेर गाय, बोले सबरी मेरे को बैकुंठ में मेरी लक्ष्मिया मेरी कितने 56 भोग 36 व्यंजन मेरे को भोग लगा दे, लेकिन आज तेरे झूठे बेर में जो स्वाद आया ना, वो स्वाद बैकुंठ में भी नहीं आता है। और दुर्योधन को मैं बात आगे स्याग विदुर घर गाये। जब भगवान शांति दूत बनकर गए थे, दुर्योधन ने 56 भोग 36 व्यंजन बना कर रखा था, बोले ये ग्वाला उसको खिला पिला कर खुश कर देगा। लेकिन भगवान ने कुछ भी स्वीकार नहीं किए। कहाँ पर गए विदुर जी ने, और विदुर थे नहीं, विदुरानी थी। ठाकुर जी को केले का छिलका खिला रही थी, ठाकुर जी बड़ी प्यार से खा रहे थे। जब विदुर जी आए ना, बोले बाबू तुम क्या कर रही हो, ठाकुर जी को केले का छिलका खिला रहे हो। ठाकुर तो प्रेम से आरंभ रहे थे, इतने मुझको ध्यान आ यारे, बात तो सही है। जब उन्होंने केला खिलाना शुरू की ना, भगवान ने कहा विदुर जी मैं केले भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेमी भोजन करने वाला हूँ। इसलिए केले का छिलके में जो आनंद आ रहा था ना, अभी केले में वो आनंद नहीं आ रहा है, हैं? आ नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने बोले गोपियों ने नाच नचाई, बोले कन्हैया तेरे को लड्डू खिलाएंगे, तेरे को मीठा खिलाएंगे, नाच
करके दिखा दो। कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके कृष्ण नाचना शुरू करते हैं। मतलब भगवान भक्तों का प्रेम में क्या नहीं क्या ठाकुर ने, इसलिए प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धार के बाद पावे वाके पार हैं। उन्होंने अंतिम बड़ा सुंदर कथा सुनाया, एक कथा को ध्यान देकर सुना। बोले दुर्योधन का एक नाई था, वो दीन क्या करता है, नाई की घोर क्रिया करता है, तेल मालिश करता है और दुर्योधन को स्नान कराता है। लेकिन वो बड़ा संतुष्ट भी नहीं था। एक दिन क्या हुआ, जिस समय वो दुर्योधन की सेवा करने आएगा उसी घर में कुछ साधु संत आ गए। अभी तो ये दुविधा भी पड़ गया, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए, अगर मैं संतों का सेवा छोड़ता हूँ, संतों का हृदय में तो ठाकुर का निवास है। भगवान कहते हैं अगर मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो, मेरे को भक्तों को तो खुश कर दे, मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। क्यों, भक्तों का हृदय में मैं बैठता हूँ। फिर सोच रहे हैं फिर दुर्योधन की सेवा नहीं करूंगा तो दुष्ट है, बदमाशी हो सकता है, नौकरी से मेरे को निकाल सकता है, अभी मुझे क्या करनी चाहिए। सच्चाई दुष्ट का तो सेवा कर ही रहा हूँ, लेकिन इस संतों का सेवा करना बड़ा दुर्लभ है, इनकी सेवा करना बड़ा भाग्य की बात है। जो होगा देखा जाएगा, आज तो मैं संतों की सेवा करूँ। बढ़िया बढ़िया उन्होंने ठाकुर जी के बढ़िया बढ़िया साग सब्जी रोटी बनाई, ठाकुर को भोग लगाए, उसने संतों की सेवा की। अभी ठाकुर जी तो चिंता में पड़ गए, बोले क्यों, बोले मेरी मेरे भक्तों का सेवा कर रहा है, ये दुर्योधन दुष्ट है, हो सकता है मेरे भक्तों को कोई सजा भी दे सकता है, नहीं तो नौकरी से उसको निकाल देगा, मेरे भक्त का परिवार कैसे चलेगा। ठाकुर जी स्वयं दुर्योधन का नाई का रूप धारण करते हुए पहुंच गए दुर्योधन को। और ठाकुर जी उसके शरीर में तेल लगाना शुरू कर दिया। कौन तेल लगा रहे हैं, बाकी दिया है। भगवान कितने दयालु, भगवान प्रेम स्वरूप रसो स्वरूप भगवान, जब उसको तेल लगा रहे थे ना, उसको तो रोम रोम खिल रहा था, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। बोले आज क्या तेरे हाथ में कोई जादू है ना क्या, तू शरीर को स्पर्श करते पता नहीं मेरे रोंगट क्यों खड़े हो रहे हैं, आंखों से आंसुओं की झरी क्यों बह रही है, क्यों। और ठाकुर जी थे, उनने जब उनको तेल मालिश किया, वो इतने खुश, दुर्योधन इतने खुश हो गया, इसकी गले में बड़े कीमती जो हार था ना, वो हार को निकाल करके उसको गले में, नाई की गले में पहुंचा दिया, पहना दिया। बोले जीवन में आज मुझे जो आनंद मिली, जीवन में कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। लेकिन वो कौन थे, वो कृष्ण थे। जब वो चले गए ना, थोड़ी देर में असली नाई आई हैं आ करके, लेकिन माला तो पहना है कृष्ण को गला में, लेकिन वो हार आ गया नाई की गला में, लेकिन उसको पता नहीं मेरे गले में माला है। वो आया माफी मांगने के लिए, बोले आज मैं टाइम से नहीं आ पाया, घर में कुछ संतों लोग आ गए थे, उनकी सेवा करते करते देर हो गई है, मेरे अपराध को माफ कर देना। दुर्योधन बोले क्यों, आज तक तो मेरी इतने सेवा, मेरी इतने सेवा की सेवा की, तभी तक मैंने तेरे को ये मोती की माला तुमको दी, उसको पता नहीं गले में मोती माला। बोले नहीं मैं नहीं आ पाया, माफ कर देना। दुर्योधन ने कहा दुष्ट, तेरे को इतनी कीमती माला दे दिया ना, तू एक रह गया। उसको गला की माला को पकड़ा, वो छीन लिया। जब छीन लिया ना, इतने में वो नाई ने देखा, भैया मेरे गले में तो माला फला कुछ थी नहीं, ये माला कहाँ से आई गई। उसको पता चला आज मैंने ये संतों की सेवा की ना, इसलिए ठाकुर जी स्वयं आज मेरे रूप धारण करते हुए और ये दुष्ट के घर में सेवा की। उसी दिन से उन्होंने उसकी नौकरी करना छोड़ दिया, मेरे वजह से ठाकुर जी की दुष्ट की सेवा करना पड़ गया। इसलिए देखो ठाकुर जी भक्तों का प्रेम में वशीभूत होकर ठाकुर जी क्या नहीं करते हैं। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान प्रेम से इतने वशीभूत होते हैं और कोई भी किसी उपाय से ठाकुर जी को तुम वशीभूत कर नहीं सकते हैं। इसलिए बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते ऐसे जो भगवान है, बोले जता जता ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले श्रीमद् भागवत में
भगवान की 26 अवतार की वर्णना है, हैं? भगवान का सर्वप्रथम अवतार किया, पहले भगवान के 6 अवतार है, कितना अवतार है? क्या किया? लेकिन सब जानते हैं भगवान का अवतार है, कहते भगवान का 6 अवतार, क्या क्या? बोले सत्यावेश अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, हैं? उनकी परावरस अवतार, ऐसे करके उनकी 6 अवतार है। इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी भगवान सर्वप्रथम चतुष्टय रूप में ठाकुर जी आए, ब्रह्मा की मानस पुत्र रूप में। तब ब्रह्मा जी ने बोले भैया ठाकुर का निर्देश है संसार का क्रम तोड़ा। बोले पिताजी ये संसार बड़े दुर्मय, हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते। बोले क्या? सृष्टि का पहला तुम हो और तुम कह रहे हो घर गृहस्थ में नहीं फंसना, संसार कैसे पड़ेगा? बोले तुम्हें अभिशाप देता हूँ संसार नहीं करोगे। बोले नहीं, बोले ऐसे ही बच्चे बनकर भी जिंदगी भर रहो। बोले पिताजी अभिशाप थोड़ी है, ये तो वरदान है। बोले क्यों? बोले घर का सारे बोझ किसको भरे? बताओ, बड़ों को भरे ना छोटों को भरे? बच्चे तो मस्ती से खेलते कूदते रहते हैं, इनकी तो कोई चिंता नहीं घर गृहस्थी की। बोले पिताजी ये तो वरदान है, इसलिए ये चार करते हैं क्या? बोले कृष्ण कथा मात्र के जीवन, जैसे हमारा जीवन क्या रोटी चावल सब्जी, लेकिन इनका जीवन क्या? बोले कृष्ण कथा। इसलिए जो पद्म पुराण में कथा आई है ये चतुष्टय नहीं कथा सुनाई है, भक्ति वैराग्य ज्ञान वैराग्य भक्ति को ये चतुष्टय ने कथा सुनाई। अगर कोई कथा सुनाने सुनने वाले हो ना बस उनको सुनाने लगते हैं, अगर कोई सुनने वाले नहीं हो एक तक व्यास गद्दी पर बैठ जाएगा तीनों बैठ जाएंगे। और हर समय ठाकुर जी की कथा ही इनका जीवन है, इसलिए इनका उम्र कभी बढ़ती नहीं। चतुष्टय को देखना बस 5 साल नंगे धड़े होकर घूमते रहते हैं, जहाँ इच्छा वहीं घूमते हैं और भगवान की कथा को बोलते रहते हैं। ये भगवान का पहला अवतार। दूसरा अवतार बोले भगवान बराह रूप में आए और ये पृथ्वी रसातल चली गई थी और इन्होंने पृथ्वी को उन्होंने उत्पन्न किया है। बोले श्री बराह भगवान की। हाँ देखो कहते ये शाम का समय है ना, चार काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? क्या किया? देखो ध्यान देकर सुनो। पहला नंबर, शाम का समय में भोजन मत करो। जो भोजन करेगा ना जिंदगी भर उसका पेट की बीमारी कभी सही नहीं होगी। और शाम का समय में पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। देखना जो शाम का समय में पढ़ाई करेगा उसको कोई चीज याद नहीं रहेगी। हम कहते हैं ना बच्चा तो घर में ठीक ठाक पढ़ता है लेकिन पता नहीं स्कूल में जाकर लिख नहीं पता, फेल हो जाता है। इसलिए शाम का समय में पढ़ेगा तो कभी कोई चीज याद नहीं कर पाएगा। और शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम का समय में सोएगा ना उसको घर में कभी पैसा नहीं आएगी, लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, वो दरिद्र दरिद्र धीरे धीरे दरिद्र होते जाएगा। और जो चौथा काम है सहवास, स्त्रियों को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। कभी हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप क्यों हुए? कल इनकी माता जो अदिति थी ठीक शाम का समय में राजकुमारी बड़ी सुंदर सीसा को सामने खड़ी होकर के श्रृंगार करते हुए जब अपना रूप को देखना वो इतने काम में मुग्ध हो गई, इतने काम आतुर हो गई। कश्यप ऋषि से मिलने के लिए पति से मिलने के लिए गए लेकिन कश्यप ने मना किया। बोले देख दीदी ये जो समय है ना शंकर जी अपना भूत पिशाचों को लेकर भ्रमण करते हैं, ये समय भगवान की पूजा पाठ करने का समय है, ये मिलने का समय है ही नहीं। लेकिन दीदी ने इतने कामातुर हो गई थी उसने जोर जबरदस्ती अपना पति से मिले। उसको बाद में कश्यप ऋषि बोले तुमने अच्छी काम नहीं किया, तेरे पेट में राक्षस जन्म लिया, इसलिए इनके गर्भ में हिरण्यनाक और हिरण्यकश्यप जन्म हो गया। इसलिए आप लोग देखना एक गर्भ संस्कार होता है, अगर सही सही समय पर अगर माताएं गर्भधारण करना, अगर सही समय पर ठाकुर को पूजा सेवा करते हुए अमृत योग से अगर अच्छे समय से मिले ना, देखो वो बच्चा बड़ा संस्कार बन कर आएगा, भक्ति करेगा, सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छुएगा, पिता माता की सेवा भक्ति करेगा। और कुछ कुछ बच्चे देखना कितने उद्दंड है, पिता माता का बात नहीं सुनते। बोले क्यों? जिस समय गर्भाधान की है
वो गर्भाधान संस्कार उस समय नहीं है, अच्छे समय पर वो गर्भाधान नहीं हुआ। इसलिए ये हिरण्याक बोले हिरण कसु बनेंगे। दीति ने माफी मांगी, बोले देखो मैं बड़ी कामातुर हो गई थी, मेरे अपराध माफ कर दो। ऋषि बड़े दयालु बोले कोई बात नहीं, बेटा पे हिरण्य कसु होगा लेकिन बेटा का बेटा जो नाती बनेगा ना वो बड़ी कृष्ण भक्त बनेगा। इसलिए फिर ये प्रहलाद बन करके हिरण्य कसु का बेटा कौन हुआ है? ये प्रहलाद। प्रहलाद मतलब क्या है? प्रकृष्ट रूप में जो लाल हर समय जो आनंद में रहता है ये प्रहलाद हुए। इसलिए भगवान की जो चौथा अवतार है ठाकुर जी नर नारायण ऋषि रूप में ठाकुर जी आए और बद्री का आश्रम पर ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। बद्री का धाम कोई गए हो? कौन कौन बद्री का धाम गए हो? एक दो तीन चार, कौन जाना चाहते हो? केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, इसको 10 दिन अगर कंटिन्यू चलोगे गाड़ी में फिर तो किसी तरह से 10 दिन में दर्शन कर जाओ, लेकिन आपको ऐसे के स्थान में ले जाएंगे, एक दिन में जाओगे और एक दिन में सब कर जाओगे सारे धाम, 6 अरब तीर्थ आपको एक दिन में दर्शन करा लेंगे। और जाना चाहते हो यदि सबके सब श्री वृंदावन धाम है, जब कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, कृष्ण जब जन्म नहीं हुए थे नंद बाबा ने मनोवृत्ति की थी, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए सारे तीर्थ में करूंगा। जब कृष्ण जन्म हुए जब सारे ब्रजवासी जाने के लिए तैयारी हुए, कृष्ण ने कहाँ जाओगे? बोले लाला कुछ जन्म होने से पहले मैंने मनोवृत्ति रखा था सारे तीर्थ जाएंगे। बोले बाबा सारा तीर्थ तो ब्रज में ही है। बोले कहाँ पर? बोले मेरे साथ में आओ ना, मैं बेटा बड़ा हो गया ना, बेटा का क्या कर्तव्य है, पिता माता को सारे तीर्थ ले जाओ, सारे तीर्थ उनको घुमा, आओ आप तो मैं ले चलता हूँ। उनको काम्य बन में लेकर गए, बोले सब हाथ जोड़ करके आंख बंद करो, हाथ जोड़ करके सारे तीर्थ को याद करो। जब याद किया ना पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है सब के सब काम्य बन में फिर गए। वहीं पर आदि बद्री आदि केदार आदि गंगोत्री इसलिए केदारनाथ ये भगवान स्वयं बद्रीनाथ में नारायण ऋषि रूप में ठाकुर जी तपस्या करते हैं। प्रश्न है प्रिय ठाकुर क्यों तपस्या कर रहे हैं? तपस्या तो जीव करते हैं, ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं? बल इसकी कथा आती है, एक समय श्री नारद जी सब जगह पर गए, सबसे पूछे सब ठीक ठाक हो, ऊपर तो सही रहिया लेकिन अंदर की बात पूछे। देखा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, काम से दुखी, नौकर से दुखी, पिता माता से सास नन दुखी 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 भी, जब तक ये जीव तुम्हारी भक्ति नहीं करता है तब तक ये सुख नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप तपस्या करेंगे आपको देख करके तो लोग सीखेंगे ना। बोले नारद जी सीधा सीधा बोलो, बोले प्रभु जी आप भी थोड़ा तपस्या करो, आपको देख करके लोग थोड़ा सीखे, दुनिया का मालिक आप हो। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए ना। ठाकुर जी भ्रमण करते करते पहुंचे कहां पर? भगवान बद्रीनाथ में पहुंचे, नर नारायण ऋषि हैं, वहां पर अलका नदी बह रही है, बड़ा सुंदर स्थान है। बोले वाह बड़ा सुंदर स्थान, यहीं पर मैं तपस्या करूंगा। वहां पर आप लोग गए होंगे, वहां पर तप्त कुंड वहीं पर है, बड़ा सुंदर स्थान भगवान। लेकिन पहले वहां पर श्री शंकर जी रहते थे, श्री भोले बाबा। बोले शंकर जी को यहाँ भगाना पड़ेगा, वो ऐसे तो भागेंगे नहीं, इसलिए वो तप्त कुंड में शंकर पार्वती स्नान के लिए जा रहे थे। ठाकुर जी एकदम छोटे बच्चे बन करके बर्फ को पर रोना शुरू कर दिया, शंकर जी पीछे पीछे, माता जी पीछे, शंकर जी आगे माता जी पीछे, संकल्प देकर समझ गए भैया दाल कुछ खा लो, ये बच्चा कहाँ से आ रहा। लेकिन पीछे माँ चल रही थी, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, छोटे बच्चे इतने सुंदर देख करके पार्वती गोद में ले लिया। शंकर जी को बोले आपको दिखाई नहीं इतना सुंदर बच्चा? बोले पार्वती दाल में कुछ काला है। बोले क्या काला है? इतना छोटा बच्चा रो रहे दाल में काला है।
बोले इसको मैं घर में सुला करके आती हूँ। जब उन्होंने पार्वती सुला करने गई ना, जब दोनों स्नान करके आए वो तो स्वयं भगवान विष्णु थे, वो अंदर से कुंडी बन गई और शंकर पार्वती दर्जा खटखट करते रह गए, लेकिन ठाकुर जी और कुंडी नहीं खोली। शंकर जी पार्वती को देख लिया, पहले से मैं मना कर रहा था, ये बच्चा कोई और कोई नहीं, तुमने मानी नहीं, हमारे घर ही दखल कर लिया। बोले वो कौन है? देखा मेरे प्रभु जी। बोले प्रभु रहना तो यही रहो, मैं तो कहीं जा रहा। फिर शंकर जी वहां से केदारनाथ, ठाकुर जी शंकर जी चले गए। इसलिए भगवान का वरदान है, देखो जो व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाते हैं क्यों, उनको क्या फल मिलता है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, कहते कलयुग का जीव इतने तपस्या कर ही नहीं सकता है, इन्हीं के लिए मैं तपस्या करता हूँ। अगर कोई कष्ट करके आए केवल मेरा दर्शन कर ले, मेरे दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ इसका छठवां भाव का फल उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लोग इतने कष्ट करके सबके सब बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कभी ये चार धाम को एक बार परिक्रमा कर लेना, चलो फिर इसको पुनर्जन्म नहीं होता। इसे पहले लोग जब जाते थे, अभी तो बहुत सहज हो गया, पहले इतने आसान नहीं था, अभी तो वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, जो इतने सुंदर स्थान है। जो लोग गए आप लोग देखे होंगे, मेघ स्पर्श कर रहा है, बड़े सुंदर अलकनंदा, बड़े सुंदर पहाड़, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, हैं? इसलिए पहले लोग जब जाते थे बोलते थे, देखो हम चार धाम करने जा रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे, मतलब हम वापस आ पाएंगे बता नहीं सकते, क्यों पहले चलते 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 थे और बीहड़ रास्ता था, बीहड़ रास्ता, पेड़ को पकड़ पकड़ कर किसी तरह से चलते चलते रास्ता में क्यों खत्म हो जाते, बोलते थे हमारी क्रिया कर्म कर लेना, लेकिन अभी तो इतने आसानी हो गया, 10 दिन में जाओ बढ़िया करके घूम घाम करके पिकनिक करके वापस चले जाओ, बड़ा सुंदर स्थान है। श्री बद्रीनाथ की, श्री केदारनाथ की, गंगोत्री यमुनोत्री की। जब श्री सुत गोस्वामी ये अवतारों की बात बता रहे थे, मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम बलराम कृष्ण भूत कल्कि, बोलते बोलते उन्होंने बीच में कृष्ण नाम ले लिया। बोले कृष्ण भी एक अवतार है। सुत गोस्वामी ने देखा मैंने तो गलती कर दी। बोले क्यों? पहले मैं बोल दिया कृष्ण भी एक अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण कौन है? कृष्ण अवतार नहीं, फिर कृष्ण कौन है? कहते ये अवतारी, अवतारी मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार आए हैं। फिर उन्होंने कृष्ण के लिए एक अलग श्लोकों को वर्णना करते हैं। बोले एतेचांसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम बृहयन्ति युगे युगे। बोले हे सौनकादि ऋषियों, मैंने अभी तक जिन जिनियों का नाम लिया ना, कोई अंश कृष्ण की अंश के अंश कला और विकला है, लेकिन ये जो कृष्ण है ना, ये पूर्ण ब्रह्म केवल कृष्ण है, जिसको ब्रह्मा स्वयं कहते हैं। बोले एतेचांस कला पुंस हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण सारे कारणों का जो मूल कारण है कृष्ण है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को गीता में क्या दिखाए? बोले अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जितने सारे मत्स्य कुर्म वराह जपना अवतार सब मेरे अंदर में, इंद्र चंद्र वायु वरुण सब के सब मेरे अंदर में। इसलिए मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन मुझे छोड़कर कोई परतत्व तो है ही नहीं, सारा दुनिया मेरे में। देखो अच्छे तरह से समझो, कभी कभी हम हमें ना, हमारे देश में 33 करोड़ देवता है, अगर हम किसी देवता को पूजा कर रहे हैं अगर काम नहीं बना ना, बोले भैया अमुक जगह पर एक देवी है जहां जाने पर जल्दी इच्छा पूर्ण हो जाती, फिर देवी के पास उठा ले। कोई बोल दिया भैया वहां काम नहीं हुआ अमुक जगह पर कोई एक देवता है बाबा, बस उसको छोड़कर वहां भागना शुरू कर दिया। बोले वहां पर कोई एक संतोषी मैया है, फिर हम वहां भागना शुरू कर देते हैं। आप बताओ हमारे हिंदुओं में कितना देवता है?
33 करोड़ देवता है। दिन में अगर एक करोड़ देवता की पूजा करो ना, 30 दिन में कितना हो गया? 30 करोड़। फिर 3 करोड़ बाकी रह गया कि है। आप बताओ, एक को मनाओ दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगी, तीसरे को मनाओ चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगी है। लेकिन कृष्ण ऐसे के ठाकुर है, कृष्ण ऐसे के ठाकुर है, बोले जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए भागवत में इन्होंने दो उदाहरण देकर समझा, ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा दो, नहीं तो फिर ना इधर उधर भागते रहोगे, यहाँ भागोगे यहाँ भागोगे यहाँ भागोगे। इसलिए उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाए। पहला उदाहरण दिया बोले जथा तरूर मूलम निसरी, जैसे एक वृक्ष है, जैसे वृक्ष का जड़ में पानी देने पर फिर आपको कहीं पानी देने का जरूरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर उसको पत्ते को धोए, उसका टहनिया को धोए, उसकी फल और फूल को धो, लेकिन इस जड़ में पानी मत दो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा नहीं? रहेगा नहीं ना। दूसरा उदाहरण दिया जैसे आहार, कोई बोलेगा क्यों कान में सुनते ना, कान में डाल डाल दो। कोई बोलेगा आंखों से देखते तरफ रोटी दे दो। बोले कोई हाथ में काम करते इसमें तरह चावल, ऐसे करते हो आहार कहाँ देते हो? मुंह में। जैसे मुंह में आहार देने पर क्या होता है, सारी इंद्रियां एकदम पूरा सत्य के रहता है, काम करती हैं। बोले तथैव सर्व आहरण अच्युतैया, बोले जे अच्युत को कृष्ण को विश्व ब्रह्मांड पूजा करते हैं, हम आगे सुनेंगे जैसे इंद्र चंद्र सबका घमंड प्रभु दूर किया है, सबकी अहंकार प्रभु ने दूर किया है। जब हम कृष्ण के चरण में प्रणाम कर दिया, भगवान विराट रूप दिखाया, देखो मेरे अंदर में ब्रह्मा दुर्गा शंकर सब, जब हम ठाकुर जी के चरण में प्रणाम कर लिया क्या हो गया, ये सबको प्रणाम हो गया। आपको अलग रूप में इसको 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 पूजा करने का कोई जरूरत नहीं। जैसे मोदी, मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ना। अगर मोदी की शरण में कोई चले जाए, मोदी ने ही अलग अलग इसको वित्त मंत्री बना दिया, किसका रेल मंत्री, किसको अग्नि मंत्री, किसका वायु मंत्री, उसने अलग अलग सबको पोस्ट दिया है। लेकिन जब मोदी की शरण में चले जाए ना, जिसको पता चले भैया ये तो मोदी का डाना अर्थ का अभी दिशा है, भैया इसका पंगा मत लो, फिर अपना नौकरी जाएगी। उसी तरह जब हम ठाकुर जी की शरण में आ जाए ना, फिर ये ग्रह प्रह जितने जितने देवादेवी, फिर पीछे कोई नहीं पड़ेंगे। अगर गोविंद के शरण में नहीं जाओगे ना, फिर तो तुम्हारे पीछे सारे देवादेवी पड़ जाएंगे। जानते इनको रक्षा करने वाले कोई है नहीं, सब पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब ठाकुर जी की चरण में, कृष्ण शरण में आ जाओगे, फिर तुम्हारी पंगा कोई नहीं लेगा। क्यों? चा पर कृपा हरि की वही था पर कृपा करे सब कोई, उसको पर मैं सबके सब कृपा करेंगे। इसलिए श्री सुत्तो गोस्वामी कहते ये कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, ये पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान है। बोले स्वयं मतलब क्या होता है? बोले अनन्य पेक्षम जत रूपम स्वयं रूप सौचति, स्वयं रूप उसे कहते हैं जो बिना किसी के सहारा लिए हुए जो परिपूर्ण है, जिनको किसी के सहारा की जरूरत नहीं, और जो सबका सहारा देते हैं वो कहते हैं श्री वाक्य बिहारी है हमारे श्री भगवान कृष्ण। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। तब यहाँ पर हमारे श्री जीव गोस्वामी कहते हैं बोले देखो जैसे कृष्ण सर्वोपरि है, उनका नाम भी सर्वोपरि है। देखो ये चीज को अच्छी तरह से सुनो, जैसे कृष्ण सर्व कारण कारण का नाम भी जीव गोस्वामी कहते हैं। बोले एक समय शंकर जी को पार्वती ने प्रश्न की, बोले प्रभु हम नाम करते किसकी नाम करें? पार्वती बोले, शंकर जी बोले पार्वती आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना, जितने आराधना में भगवान विष्णु का आराधना सर्वश्रेष्ठ। माँ पार्वती तब से विष्णु सहस्त्र नाम है ना, विष्णु भगवान के हजार नाम को जप करती थी, अभी हजार नाम लेने में समय लगी है। कुछ दिन बाद में शंकर जी बोले पार्वती धरा तेरे को और एक सरल मार्ग बताता हूँ, जो परिश्रम कम और ज्यादा तुम्हें फल मिलेगा, दुनिया तो यही चाहता है। बोले प्रभु बताओ क्या है? उसमें एक श्लोक है बोले राम रमति रमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बराने। बोले जो 1000 विष्णु का नाम जो ग्रहण करता है, अगर एक बार केवल श्री राम नाम बोल देना, एक राम नाम समान 1000 विष्णु नाम,
बोले इतना शक्ति, बोले हाँ। तभी से माता पार्वती क्या कहती थी, बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव जब पार्वती कुछ दिन ये नाम लिए ना, फिर शंकर जी फिर बोला, बोले पार्वती तेरे को और एक सरल उपाय बताता हूँ, परिश्रम कम होगा तुम्हें फल मिलेगा ज्यादा। बोले प्रभु वो किया है देखो इस लोग है, बोले सहस्रा नाम नाम पुण्या नाम त्रिरा वित्वा तु जन्मलम एका वृत्वा तु कृष्णस्य नामै तत् प्रजच्छति। बोले हे पार्वती, जो विष्णु सहस्र नाम को कोई तीन बार ले, एक बार केवल से कृष्ण नाम ले ले, एक कृष्ण नाम समान 3000 विष्णु नाम, बात 3 बार राम नाम। इसलिए हे पार्वती, जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म है, जो अखिल रसामृत मूर्ति और जो 16 कला में परिपूर्ण कौन है, श्री भगवान कृष्ण है। बोले प्रभु फिर तो दिन भर कृष्ण ही कृष्ण ही करो, दिन भर श्री कृष्ण ही कृष्ण ही करो। इतने में बोले हाँ पार्वती कृष्ण पूर्ण ब्रह्म। अभी पार्वती कृष्ण नाम जप करती थी, जो कुछ दिन हो गया ना, फिर बुलाई पार्वती, बोले पार्वती जरा बोले आज तेरे को एक रहस्य बात बताऊंगा, जो बात मैं तेरे को ही बताया, ये मेरी हृदय की बात है। बोले कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु आप ही तो बता रहे थे कुछ दिन पहले कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, उनसे कोई बड़े नाम फिर कैसे बता रहे हो। बोले मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण स्वयं ये बात चंद्रमा को बोले, देखो क्या बोले, बोले मम नाम सत्यनाथी राधा नाम सदूतम जप करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीर्तन। कृष्ण कहते हैं चंद्रमा, अगर मेरे नाम कोई 100 बार ले ले, कितना बार ले ले, अगर एक बार कोई श्री राधा रानी का नाम ले ले, एक राधा रानी का नाम के साथ में मेरे 100 नाम बराबर है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ तो सबके सब किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो, लेते हैं, सो रहे हो, अगर हाथ उठा के बोलो श्री वृंदावन लाल की जय, जय श्री राधे। तब बोली प्रभु फिर तो आज से केवल राधे ही राधे बोलूंगा और कुछ बोलूंगा नहीं, क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे, और कोई नाम नहीं लूंगा, केवल राधे राधे बोलूंगा। कृष्ण ने कहा देख, शंकर जी ने कहा पार्वती इसमें भी एक बड़ा रहस्य। बोले फिर क्या रहस्य, आप तो बोले क्या बोले, एक राधा रानी का नाम संग कृष्ण का सहस्त्र नाम समा, पर तो राधे राधे बोल रहस्य क्या है। बोले देखो, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे।
दोपहर का समय होता है ना, ये सोने का समय होता है, बिस्तरा को छोड़ने का समय है, क्योंकि प्रसाद पाने के बाद नींद आती है, लेकिन कथा को एकदम बीच में रखती है, जिस समय विश्राम करने का, इसलिए कोई झूम रहा है, कोई झूम रहा है, मैं देख रहा हूँ, कोई आग बंद कर रहे, एक आम पर सब इस पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शरीर में चुस्ती आ जाए, सारी नींद भाग जाएगी, एक बार ठाकुर का नाम से एक बार नाच लो, सब खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, कान सजा कर दो, मोहन से दिल क्यों लगाया है कीर्तन हो ना पेड़ जैसे खड़े रहे, बोले ठीक है पेड़ जन्म दे देता हूँ कि भागवत में की बताया, इसलिए कोई वैसे खड़े नहीं रहा, तो प्यार को हिला होकर खड़े जैसे पेड़ जैसे खड़े जैसे आप सबके हाथ उठा लो हाँ मोहन से
आपका तीर्थ चली गई
हरे कृष्णा भाई को एक बार हाथ उठा लो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अर्जुन करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 जो एक बार से राधा जी का नाम लेते ही उनको कृष्ण नाम कितना बार हो जाता है 100 बार कृष्ण नाम बोलने का फल मिलता है। इसलिए जब पार्वती बोली फिर तुम्हें राधा ही बोलूंगा। लेकिन देखो इसमें भी रहस्य है। क्या रहस्य है? राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। राधा जी का नाम लेने से राधा रानी खुश नहीं होती। कौन खुश होते हो? बिहारी। और बिहार जी का नाम लेने से कौन खुश होती है? राधा। इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर वर्णना किया है। कृष्ण के पास में एक तोता और राधा जी के पास में एक तोता रहता है। जो राधा जी के पास में जो तोता रहता है ना, वो कभी राधा नाम नहीं लेता, वो हर समय कृष्ण नाम लेता है। क्योंकि कृष्ण नाम से राधा रानी खुश होती है। और कृष्ण के पास में जो तोता है ना, वो हर समय किसका नाम लेता है? श्री राधा का नाम लेता है। क्यों? राधा नाम से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम से श्री राधा रानी खुश होती है। इसलिए बोले भैया अभी बताओ अभी किसका नाम ले? बोले जुगल नाम लो। बोले कैसे? बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। जब ये महामंत्र है इसमें जो हरे शब्द है इसका मूल शब्द हरा है, हैं? और संबोधन में हो जाता है हे हरे हे राधिके। और जो कृष्ण है फूल बनाने वाले माता है जाता ही बोल रहे हो चुपचाप बैठो। इसलिए यदि श्री कृष्ण मतलब होता है कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण राधे कृष्ण, फिर उसमें हरे राम आ गया। पर हरे कौन हो गए? राधा रानी। फिर राधा जी को साथ में राम के जागे। बोले यहाँ पर जो राम शब्द है और राम नहीं है। बोले राधा रमयति राम, राधा जी को साथ में कृष्ण रमण करते रासलीला करते हैं, इसलिए उनका नाम राम। इसलिए ये जो महामंत्र है ये केवल जुगल उपासक मंत्र है, ये और किसी की उपासक मंत्र नहीं। इसलिए कुछ कुछ लोगों का धारणा है इसमें जो राम का शब्द है शायद अयोध्यापति दशरथ नंदन राम का नाम नहीं। आप किसी रामानंदी संप्रदाय में जाओ जो सीता राम को उपासना करते हैं वो कभी भी ये मंत्र शिष्य को नहीं देते। केवल हमारी गौड़ीय परंपरा में ही ये मंत्र दी जाती है। क्यों? इसमें जो राम है वो कृष्ण ही है, हैं? इसलिए ये महामंत्र केवल श्री जुगल उपासक का नाम श्री महामंत्र। अगर साधारण रूप में जो कुछ नहीं जानते हैं दो कहते इसमें तीन नाम है। कौन है? हरे। हरे मतलब हरि। ये हरि हम लोग संस्कृत पढ़े हो? कौन कौन संस्कृत पढ़े हो? सब मुनि जा रहे संस्कृत जैसे आप पढ़े होंगे जैसे लता शब्द रमा शब्द ये संबोधन में हो जाता है हे लते हे रमे, हैं? इसलिए ये जो हरि शब्द ये इकारांत हरि शब्द संबोधन में होता है हे हरे। इसलिए साधारण रूप में हरि कृष्ण और राम इसमें तीन नाम है। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है जिसको हमारे श्री भक्तिवृंद ठाकुर गोपाल भट्ट गोस्वामी जीव गोस्वामी और श्री गोपाल उन्होंने ये महामंत्र को उन्होंने अलग अलग इन लोगों ने व्याख्या किया। इसकी 64 तरह का अर्थ बताया। एक हर शब्द का उन्होंने 32 तरह का अर्थ बताया। केवल हरे कृष्ण एक शब्द का उन्होंने 16 प्रकार अर्थ बताया। राम शब्द को 16 प्रकार व्याख्या की अलग अलग रूप में। इसलिए जो महामंत्र है ये महामंत्र मतलब जितने मंत्रों में ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र, इससे बड़ा मंत्र जगत में कुछ है नहीं। क्योंकि इसमें जुगल उपासक का नाम है। अभी बताया ना
विष्णु शरण नाम से किस राम का नाम श्रेष्ठ, राम नाम से किस कृष्ण नाम श्रेष्ठ, और कृष्ण नाम से और किसका नाम श्रेष्ठ है, श्री राधा रानी का नाम श्रेष्ठ है। राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, इसलिए वृंदावन में सब किसकी नाम लेते हैं, श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए अभी श्री सोनकाद ऋषि लोग सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, बोले ये बताओ जैसे अभी भागवत कथा हो रही मंदिर में, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो ना, भैया भागवत कथा हो रही है सुनने आप, अगर किसी व्यक्ति का अगर छोटे मोटे दुकान कोई बिजनेस होगा, बोले हमारे पास कोई समय नहीं कथा सुनने के लिए, बोले कि देवी तू चला जा, मैं तो अपना काम निपटा करके आ जाऊंगा। बोले तू निपट जाओगे तेरे काम नहीं निपटेगा, अभी तो किसने काम निपटाया है, हाँ कितने बहाना बजाई, लेकिन यहाँ प्रश्न है भैया आश्चर्य की बात है, उसी समय श्री परीक्षित महाराज कौन थे, तो साधारण व्यक्ति नहीं थे परीक्षित महाराज, संपूर्ण ये पृथ्वी को पर में ये सम्राट चक्रवर्ती सम्राट श्री युधिष्ठिर महाराज थे, इसलिए ये चक्रवर्ती सम्राट थे, वो साधारण नहीं संपूर्ण पृथ्वी को पर में राजत्व था, लेकिन इन्होंने ये सारे काम को छोड़ करके कथा सुनने के लिए आए, सारे काम को, और श्री परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी वो भी कोई साधारण नहीं, वो कौन है, किसी एक जगह पर उतना समय टिकते थे, एक गैया को दोहन करने में ही जितना समय लगे, उससे ज्यादा कहीं ये टिकने वाले संत नहीं थे, ये मातृ गर्भ में तो 16 साल के थे, 16 साल तक तो उन्होंने कभी मुंह खोली नहीं, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोले ना 7 दिन तक तो मुंह उन्होंने बंद ही नहीं की। अभी जैसे हम कथा सुन रहे हैं ना, पहले ऐसी कथा नहीं हुई है, पहले जो सुखदेव गोस्वामी कथा किए 3 रात 24 घंटा 7 दिन चली, कोई पेशाब नहीं, कोई पायखाना नहीं, कोई पीना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पहले कथा पूरा 18,000 श्लोक है ना, पूरा के पूरा 7 दिन तक चली, इसलिए एकदम कंटिन्यू एकदम 7 दिन तक कथा मैंने सुना है, इसलिए आप कृपा करके बताओ ये सब क्या कथा है। फिर ये व्यास देव जी ये ग्रंथों को फिर रचना क्यों किए, जो पूछा और नहीं पूछा आप कृपा करके हमें सारे विचारों को सारे बातों को हमें बताओ। तब श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर उद्योगी दासव्याम कलयाहरे। बोले व्यास देव कौन है, बोले व्यास नारायण स्वयं, ये भगवान की सत्ता विषय बता रहे, और हमारे सामने जो प्रभु जी बैठे ना श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, इनको भी सत्यावेश अवतार इनको ही बताया गया। क्यों सत्यावेश अवतार मतलब क्या है, कभी कभी किसी प्राणी में भगवान अपना विशेष शक्ति को प्रदान करते हैं, और शक्ति प्रदान करते हुए जो अद्भुत काम को जगत में कर डालते हैं, इसलिए हमारे श्री महाराज जी संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का जो वाणी ये कृष्ण भक्ति पहले जो संत लोग आए प्रचार किए हैं, लेकिन पृथ्वी का एक कोने में कहीं कथा प्रचार किए, लेकिन विश्वव्यापी जो महाप्रभु का वाणी हमारे जो सनातन धर्म की वाणी किसने प्रचार की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये महापुरुष को उन्होंने विदेश में भेजे, उन्होंने भेजे थे, लेकिन इनको ऊपर उन्होंने आदेश दी थी, और इन्होंने ही जा करके जहाँ जहाँ गए विदेश में एकदम टहलका मचा दिया है, विश्व के कोने कोने में जो अंग्रेज लोग लंदन फ्रांस जर्मनी अमेरिका जहाँ जहाँ गए महाराज जी जहाँ इनके चरण पड़ना उस स्थान को महापुरुष पवित्र बना दिए, उस स्थान को पवित्र बना दिए, वहाँ हम तो भारतीय लोग हैं, नाम मात्र हम हिंदू हैं, सब मुसलमान हमें हिंदू का क्या लक्षण है, गल में कंठी होनी चाहिए, तिलक होनी चाहिए, चोटी होनी चाहिए, माला होनी चाहिए, तभी तो हिंदू कहलाएंगे, केवल हिंदू घर में जन्म होने से थोड़ी कोई हिंदू होता है, लेकिन आप देखोगे वृंदावन जाओ हमारे उधर आश्रम देखो अंग्रेजी लोगों को देखो, हम तो नाम मात्र हिंदू, हमारे मूल ग्रंथ गीता किसो गीता की कोई श्लोक पूछे ऊपर देखे, लेकिन कौन सा हीरो का नाम कोई पूछे, हीरोइन का नाम सब याद है, कौन सा प्लेयर का नाम जितने गंदी चीज को याद कर, लेकिन असली चीज है ना कोई हमारी असली चीज में कोई हमारी ये नहीं, इसलिए ये महापुरुष ने हमारे सनातन धर्म को संपूर्ण विश्व में उन्होंने प्रचार किया है, इसलिए जो व्यास देव है
ये भगवान की शक्ति है वैसे अवतार श्री व्यास थे। ये अपना दिव्य दृष्टि से देखा है कलयुग आने वाले। कलयुग में क्या होगा, धीरे 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 सभी का जो बुद्धि ह्रास होती जाएगी, क्यों कोई प्योर चीज खाने की नहीं मिलेगी। हर चीज में तो हाइब्रिड है, मिलावटी हर चीज में, लेकिन शुद्ध घी है। इसलिए धीरे धीरे बुद्धि ह्रास होती जाएगी। पहले जो पुराण ग्रंथ होता था कुछ नहीं होता था, छात्र लोग जाते थे गुरुकुल में, जो बड़े बूढ़ों को पूछो गुरुकुल में जाते थे, गुरुदेव इनको रटाते 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 सब रटा लेते थे, कोई पुस्तक की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी धीरे धीरे ह्रास होते जाएगी बुद्धि। इसलिए व्यास जी ने एक उन्होंने जो वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित किया। वेद मतलब होता है वेदयति इति वेद, जो भगवान को जनाता है। फिर उन्होंने उपनिषद बनाए। उपनिषद मतलब उप मतलब होता है पास में, निषद मतलब जो जीव को भगवान का पास तक जो ले जाए उसको। बाद में फिर ब्रह्म सूत्र क्या है, बोले जैसे अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये छोटी छोटी शब्द है लेकिन ये छोटी छोटी शब्द में बहुत सारे अर्थ है। जैसे अथात तो आनंद ढूंढता है, सबके सब उद्देश्य जीवन में आनंद मिले, लेकिन आनंद ढूंढता है कहाँ, आनंद ढूंढता है कहाँ, बल्कि इसी पार्थिव जगत में, ये जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है। इसलिए जीवों का आनंद नहीं मिलता है, पर आनंद कहाँ मिलेगा, बोले ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक ये जीव ठाकुर जी के शरण में नहीं जाए, जो बड़े दूसरों को जो बड़ा बना दे, जो आनंद स्वरूप दूसरों का आनंद दे, जो सुख स्वरूप दूसरों को भी सुख दे, वो कौन है, ये भगवान कृष्ण है। इसलिए जब तक ये जीव ठाकुर जी की शरण में नहीं चले जाता है ना भैया, ये जड़ वस्तु कभी हमें आनंद दे नहीं सकता है, आनंद हमें ठाकुर दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे शब्द में उन्होंने जो बहुत विस्तृत अर्थ जो व्याख्या की, कहते इसको कहते ब्रह्म सूत्र। फिर उन्होंने बनाए 18 पुराण बनाए। फिर देखा स्त्री और शूद्रों को वेद में अधिकार मिला, इसलिए उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत रचना की। और जिसको अंदर में ये भगवत गीता, जिसको अंदर में ये गीतोपनिषद, जिसको अंदर में, लेकिन इन्होंने ये सब बना करके ना इनके मन में शांति नहीं मिल रहा। एक दिन श्री भगवत इच्छा से श्री नारद जी कीर्तन करते करते श्री नारद जी आते हैं, बोले व्यास लगता है तेरे मन में शांति नहीं। बोले गुरुदेव आप सही बताए, मेरे मन में शांति नहीं, मैं तो जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ बनाए, आप तो गुरु हो, गुरु मतलब क्या होता है, बोले गुकार अंधकार को आग रुकार तस्य निरोधक, जो हमारी हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जो दिव्य आलोक जो जगाती है, गुरु जी का काम, आप तो गुरु जी सब जानते हो। इसलिए जब गुरु जी आ गए और समझ गए अभी हमारी मन की जितने शंका सारे दूर हो जाएगी, इतने में बोले गुरु जी आप ही बताओ इसमें कमी क्या है। बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि बर्ज्यानो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। बोले देखो आनंद नहीं मिलने का क्या तात्पर्य, आप लोग भी समझो कि तुमने जो जो धर्म तुमने वर्णना की है ना, कैसे पैसा कमाओ, कैसे दान करो, कैसे स्वर्ग में जाओ, रंभा उर्वश मैंने कहा साथ में घूमा, फिर पुण्य खत्म होगा, फिर यही करा। इसलिए तुमने इस सब दुनियादारी की धर्म संसार की धर्म करो, सेवा करो, लेकिन कब तक, बोले जीव ये जगत का जितने धर्म पुण्य कर्म करे कहाँ तक जा सकते हैं, ब्रह्म लोक तक जा सकता है, लेकिन खिन्न पुण्यम अर्थ लोकम विसरति, वो पुण्य समाप्त होने पर ब्रह्म लोक से भी गिरना पड़ेगा। लेकिन जो केवल मेरी भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं और जत गत्वा न निपर्तन, जहाँ जाने पर जीव कभी वापस नहीं आते हैं। बोले देखो तुमने जो ग्रंथ रचना की ना, भविष्य में लोग पढ़ करके झगड़ा करेंगे, क्योंकि अब जो शिव पुराण पढ़ लेगा ना, बोले भैया शंकर भोले बाबा से तो बड़े कोई जगत में है ही नहीं, वही सत्यम शिवम और सत्यम शिवम देवदेव जोगी जोगी महाजोगी, बोले इनसे तो कोई बड़े है ही नहीं, वो शंकर जी को छोड़कर किसको पूजा ही नहीं करेगा, बोले जगत में बड़े यही है।
जो देवी पुराण पढ़ लेगा वही तो जगदम्बा जगजननी, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि होते हैं, फिर उनको पूजा छोड़कर भी जो करेगा नहीं। जो गणेश जी कथा सुन लेगा बोले भैया अगर मुझे तो नहीं करनी चाहिए। अभी जो सूर्य की दुनिया को तेज कौन देने वाले, बोले सूर्य देवता, उनसे तो बड़े जगत में कोई है ही नहीं। कहते अगर तुम्हारी गर्त कोई पढ़ लेगा ना, वो केवल कलयुग में लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, तुमने बड़ी गड़बड़ी किया है। बोले गुरुदेव बताओ अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। बोले देखो जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव वो ईश्वर का ही अंश है, भगवान के अंश है। जब तक ये जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है, ठाकुर जी की कृष्ण की राम की भक्ति नहीं करता है भैया, तब तक ये जीव को शांति मिलने वाली नहीं, शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए मरते समय भले जिसको पूजा करो जिसको जो कुछ करो, मरते समय क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, यही बोलेगा ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले तुमने जो पूजा सेवा जो कुछ का झूठा भी बिताया, जितने तुम्हें राम और कृष्ण का नाम लिया वही भैया, जब वही जाएगा अभिषेक क्यों नहीं कर रहे हो, अभिषेक क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए अभी तुमने भगवान की शुद्ध भक्ति को विषय पर भागवत रचना करो, जिसमें कोई इधर उधर देवा देवी की बात नहीं, शुद्ध रूप में भगवान और उनकी भक्तों की चरित्र को गाओ, जिसमें तुमको पूर्ण शांति मिलेगी। लेकिन तुमने और एक बात बता दिया। बोले क्या बताया? बोले भजन अभी से क्या करना है, हाँ जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा ना, हाँ अभी तो खाओ पियो मस्ती रहो कर्म करो, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा एक दो माला सट्टा लेना, ये भी तुमने बोल दिया। भैया ये संसार करते करते अभी तो किसने उगा है बताओ, संसार कर रहे हो अभी तक तो संसार से देखना, जितनी उम्र होती जाएगी उतना नाती पोती संसार में उतना ही ज्यादा आसक्ति है, देख लेना संसार से निराशक्ति क्या हो गया, लेकिन जितनी उम्र होते जाएगा नाती पोती दुनियादारी में उनका दिमाग उतना ही ज्यादा घूमता भटकता कि नहीं। हाँ एक छोटी स्टोरी सुन लो, एक समय श्री नारद जी मध्य जगत में आए, अपने सब जगह जगह पर गए, देखा सब दुखी है, वैकुंठ में गए, बोले ठाकुर जी कुछ जीवों को पकड़ कर ले आओ ना वैकुंठ में, पूरा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, कोई माला बनाएगा कोई तुम्हारी सेवा करेगा। ठाकुर जी बोले नारद जी मैंने 24 अवतार लिया, एक जीव भी संसार छोड़कर आना नहीं चाहता। बोले प्रभु जी मेरे को विश्वास नहीं होता, मैंने संसार में गया एक एक व्यक्ति को पूछा कोई भी सुखी नहीं देखा, आप कह रहे हो संसार छोड़कर कोई नहीं आता है। बोले नहीं भगवान, बोले ये दायित्व तेरे को देता हूँ, चाहो मरते जगत में जो मिलेगा ना उसको वैकुंठ ले आना। नारद जी बोले आज वैकुंठ पूरा भर होगा, आज वैकुंठ भर जाएगी सबके सब। इसलिए नारद जी मरते जगत में आए, आए तो देखा एक किसान क्या कर रहा था, किसान खेती कर रहा था। बोले भैया ये तो जरूर जाएगा, ये जरूर जाएगा, इतने कष्ट करके खेती कर रहा है। बोले किसान भैया वैकुंठ चलोगे? बोले वैकुंठ अभी मेरे बीवी बच्चा दुनियादारी संसार, तू बोलो वैकुंठ जाने का क्या हो गया है, इसलिए तू अपना रास्ता देख। भैया मेरे वैकुंठ जाने का मेरे समय नहीं। बोले श्री राधा विनोद बिहारी जी की, गौर कृष्ण राधा रानी की, पिता गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। बड़े सुंदर ठाकुर जी श्री कृष्ण के नैया लाल की, सबके सब खड़े हो जाओ ठाकुर जी आरती। जय जसो मति नंदन ब्रज वरनागर I'm not afraid of the dark.
Jai 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 Jai